दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूजा करते समय सर भारी होना किस बात का संकेत है, ये क्या कारण हो सकता है, जाप करते समय उबासी आना सही है या गलत, पूजा करते समय नींद का आना या फिर अगरबत्ती का गिर जाना, या फिर ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हमारे साथ पूजा करने के दौरान घटित होती हैं। हमें इसके पीछे का कारण पता नहीं होता है जिसके कारण हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये संकेत हमसे बहुत कुछ कहते हैं। बस ध्यान है हमें उसे समझने की और उन भावों को जानने के बाद आप हैरान रह जाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इससे जुड़ी हुई जानकारी देने वाले हैं। कई बार पूजा करते समय हमें कुछ न कुछ महसूस होता है और कई बार पूजा करते समय सिर भारी हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि पूजा करते समय उबासी आती है या फिर आँखों से पानी निकलता है। यह सब हमारे शरीर पर महसूस करते हैं हम सभी, लेकिन ऐसा होने के पीछे कुछ न कुछ संकेत भी होता है जिसके बारे में शायद ही सभी लोग जानते होंगे। अगर आप भी पूजा करते समय कुछ न कुछ इस तरीके का महसूस करते हैं तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आइए जानते हैं इसके पीछे का सच क्या है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे पूजा करते समय सर भारी होना इसके पीछे क्या कारण है और क्या संकेत है। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी अलग अलग तरह की आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर हम बहुत गहराई से या सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी सर भारी होने की संभावना बनती है। इसके अलावा या तो आप बहुत अधिक आनंद में हैं तो भी सर आपका भारी हो सकता है, या फिर अगर आपके ऊपर कोई भी ऊपरी साया या बुरी शक्ति है तो भी पूजा करते समय आपका सर भारी हो जाता है। जाप करते समय उबासी आना बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। वैसे तो ये गलत भी नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है, लेकिन अगर जाप करते समय ही खास तौर पर बार बार उबासी आती है तो इस बात को समझा जा सकता है कि आपको जाप करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप जबरदस्ती या फिर किसी के कहने पर जाप कर रहे हैं। यदि ऐसा हो कि आपको पूजा करते समय नींद आती हो तो आपको भगवान में किसी भी तरह की कोई श्रद्धा नहीं है, या फिर आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पूजा कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर पूजा करते समय निद्रा आती है तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में कोई दो तीन विचार एक साथ चल रहे होते हैं जिसका ये परिणाम है। आपके मन में भगवान के विचार तो नहीं है, अन्य किसी और भी प्रकार के विचार उत्पन्न हो सकते हैं जिससे आप परेशान हों, और ज़बरदस्ती भगवान के ऐसे में यदि आप पूजा करेंगे तो निद्रा तो आएगी ही। यदि आप चाहते हैं कि पूजा के दौरान आपको निद्रा ना आए तो आप भगवान में रुचि रखें और अंदर मन से आप पूजा करें, इससे आपको निद्रा नहीं आती है। वैसे धार्मिक तौर पर यदि देखा जाए तो कहा जाता है कि यदि आपने जिस आसन को रखा है, जिस पे आपने आसन ग्रहण किया है, यदि आसन गंदा होगा या फिर स्वच्छ नहीं होगा तो ऐसे में भी आपको पूजा के दौरान निद्रा आती है। तो आप पूजा जब भी करने बैठें तो आसन का ध्यान रखें, आसन बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए और सुथरा होना चाहिए, किसी भी प्रकार की किसी गंदगी से कोई उसका लेना देना ना हो, निद्रा नहीं आएगी। पूजा करते समय अगर आपका अगरबत्ती गिर जाता है तो भी ये अशुभ माना जाता है, यह संकेत होता है कि आप पर कोई छोटा मोटा संकट आ सकता है। यदि अगरबत्ती करने के बाद अगरबत्ती का धुआं भगवान की प्रतिमा की तरफ जा रहा हो तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है और बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण भी होने वाली है। ऐसा होना कि पूजा के दीपक की जो लौ है अचानक से वो तेज हो जाए या फिर दीपक की ज्योति अधिक ऊपर तक बढ़ती हुई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति जो है वो सच्ची है और भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। जब ऐसा होता है तो तुरंत भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें, इससे आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होती है। यदि आपने भगवान की प्रतिमा के ऊपर फूल चढ़ाया है तथा फूल आपकी तरफ गिरता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी आराधना से प्रसन्न हैं और आपकी इच्छा जल्दी ही पूर्ण करने वाले हैं। यदि आप पूजा कर रहे हो और पूजा करते समय आपके द्वार पर गाय माता आती है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है, ऐसे में तुरंत ही गौ माता को रोटी खिलाएं और अपने मन की इच्छा आप जरूर उनसे बताएं, इससे आपके मन की इच्छा जल्द ही पूरी होती है।
दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आएंगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।